यहाँ से अपने बीज डाल दिया और कुछ नहीं करना होता, इजी ऑपरेटेड होता है, असेंबलिंग सब कुछ होता है अपना, ये हैंडल होता है, इसको लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता। 70% बीज कम लगा, मतलब 30% बीज कम लगा, 70% बीज यूज हुआ है, 1 किलो में से 700 ग्राम मात्र। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवाया सर, एडवांस पैसा नहीं लिया मुझे। क्या होता है किसान भाइयों के, सर मैं पैसा दे दूं माल आएगा नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता है ऑनलाइन में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है सर। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो झलको मीडिया। और आज मैं आ चुका हूं एक मुआना के यहां पे खोजों की ढाणी में और एक खेत में फिलहाल मैं खड़ा हूं, आपको दिखा सकता हूं। लेकिन आपको पता है कि खेत के अंदर जो है हम जब बुवाई करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा भी होता है, बहुत समय भी लगता है। लेकिन कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनके बारे में मैं यहाँ किसान से जानकारी लूंगा, क्योंकि वो किसान उनको यूज भी करते हैं और कितना फायदा उनको मिला है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर दीपक यादव मेरा नाम सर, और मैं मोहाना से हूँ सर। अच्छा दीपक जी, आप मोहाना से, आपका ही खेत है? बिल्कुल सर, ये हमारा ही खेत है सर यहाँ पे। तो दीपक जी, जैसे कि हम देखते हैं कि हम जब बुवाई करते हैं तो बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, करना पड़ता है सर। किसान की जिंदगी आप अच्छे तरह जानते हो कि मतलब चाहे वो समय ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है, बहुत परेशानी, पैसा भी ज्यादा लगता है। बिल्कुल लगता है। सर आजकल बीज भी थोड़े महंगे हो गए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महंगे बीज मिलते हैं सर, क्योंकि जब सेल करने जाते हैं तो फसल तो थोड़ी मतलब कम रेट में होती है, जो मिनिमम समर्थन मूल्य होता है, लेकिन बीज बहुत महंगा मिलता है हमारे को सर। तो जब आप भी इन तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो आपने क्या सॉल्यूशन निकाला कि कुछ कुछ और किया जाए, कुछ ऐसी मशीन का यूज किया जाए जिससे कि आपको बहुत फायदा मिले और सारा सब कुछ सही हो जाए, मतलब कि समय की बचत भी हो और पैसा भी कम लगे? जैसा कि हम जो बुआई करते हैं वो करते, जैसे कि देखा होगा आपने, अभी देख भी रहे हैं आप, जैसे कि ट्रैक्टर से हम बुआई करते हैं तो ट्रैक्टर से क्या होता है, बड़ा वाला सीड ड्रिल यूज में लेते हैं। उसमें क्या होता है, दाना जो गिरता है बिल्कुल एक सार गिरता रहता है, मतलब ज्यादा मात्रा में गिरता है। लेकिन जैसा कि मैंने बलवान कंपनी का यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, बाबा आप आजकल पता है आपको कि हम चलाते रहते हैं ये चीजें, तो मैंने देखा बलवान कृषि के नाम से इनका यूट्यूब चैनल था, उस पर मैंने ये चीजें देखी, तो फिर मेरे दिमाग में थॉट आया कि इन्होंने दिखा रखा है कि सर मैं जो हमारी सीडर है मैनुअल सीडर है, खर्चा कोई आता नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर चलाते उसमें डीजल भी जलाना पड़ता है और भी आते हैं उसमें सर्विस के रिगार्डिंग इश्यूज वो आते हैं, खर्चे वगैरह, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता है सर। इसमें एक एक बीज के लिए उन्होंने बोला कि मैं एक एक दाना डाल सकता हूँ उसमें बीज में। दूसरा ये होता है कि जैसे मान के चलो मैंने ट्रैक्टर से बुआई कर दी हो, ट्रैक्टर से बुआई करने के बाद भी जहाँ पौधा जल जाता है या उग नहीं पाता है, क्योंकि जर्मिनेशन क्या होता है कुछ 70% 75% तक बोलते हैं ये जो बीज कंपनियां होती है जो, तो ऐसा हो नहीं पाता है, तो जहाँ नहीं उगता है तो हम, जैसे इन्होंने बताया कि सिंगल सीडर हमारे पास है तो वो भी हम उसमें एक एक बीज डाल के वहाँ कर सकते हैं इसमें, तो वो भी यूजफुल है हमारे लिए। फिलहाल दीपक जी आप आज अपन आगे चलते हैं और जानते हैं कौन कौन से हैं, ये कौन सी सीडर है? ये सीडर है सर S1 बोलते हैं इसको, ये जैसा कि मैंने इनके यूट्यूब चैनल पे देखा, बलवान S1 सीडर के नाम से ये बताते हैं लोग, और इसमें इनको ने बोला है कि सर जो भी इनके बीज हैं या मेरे जो भी किसान भाई मैं यूज में लेता हूँ मेरे यहाँ पे फसलों में सब्जियों में, तो एक एक दाना इसमें यूज में ले सकते हैं आप। अच्छा। एक एक दाना डलता है आप, मतलब गिन के दाने डाल सकते हो आप, ये सीधा इसका हिसाब कि एक दिन में एक एक दाने डाल सकते हो आप। और ये वाला दूसरा सीडर इसमें ये है, इनका कहना ये है कि सर इसमें दोनों चीजें आप साथ में डाल सकते हो, सीड और फर्टिलाइजर। तो एक बार आप यूज करके बता सकते हो कि कैसे यूज करते हैं और कितनी मेहनत लगती है, कुछ दिखा सकते हो आप? बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फिलहाल आप देख सकते हो इसको यूज करके दिखा रहे हैं ये कि किस तरह से यूज किया जा सकता है, ये ऐसे। जी बिल्कुल दीपक जी, फिलहाल एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये इतना इजी है कि मतलब इसे महिला बच्चे वगैरह कोई भी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर परिवार जैसे मेरी मम्मी है वो भी चला सकती है, क्योंकि वो भी जैसे मजदूर वगैरह लगते हैं तो हमारे साथ में मदद कर देती है, तो वो भी इसको आराम से इजी ऑपरेटर है, तो वजन इसमें बिल्कुल हल्का है, एक आध से हैंड से करके भी आप आराम से चला सकते हो यूं उठा के, कोई दिक्कत नहीं है देखो बिल्कुल। और मैं देख पा रहा हूँ कि एक और आपके पास यहाँ पर ये है मैनुअल सीडर, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये सर ये आता है आप S12 बोलते हैं इसमें, S12 का मतलब होता है कि इसमें 12 दांते होते हैं ये वाले। अच्छा। जैसा कि आपने देखा है ये 12 दांते होते हैं इसमें, और इसमें सबसे बढ़िया मुझे खास बात इनकी ये लगी सर कि ये जो दांते हैं ना इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब अपन जैसे कि दूरी को नियंत्रित कर सकते हैं, बड़ा बीज है तो दूरी ज्यादा रखते हैं। अच्छा। पौधे के अकॉर्डिंग
छोटा पौधा है जैसे मूंग वगैरह है, मूंगफली वगैरह है, तो थोड़ा एडजस्ट करके लगा देते हैं. मूंग वगैरह थोड़ा दूर में लगाना होता है, चना वगैरह को थोड़ा दूर में लगाना होता है, तो वो एडजस्ट कर सकते हैं सर. तो कैसे लगाएंगे एक बार बताओ ना आप कैसे कर सकते हैं. इसमें सर देखो ये है इसका, ये बीज डालने का होता है, यहाँ से अपने बीज डाल दिया और कुछ नहीं करना होता, इजी ऑपरेटर होता है, असेंबलिंग सब कुछ होता है अपना, ये हैंडल होता है इसको लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता अपना. आराम से आप इसको यूज में ले और कुछ नहीं करना, हल्का सा पुश करते हुए यूं चलना है. अच्छा, पुश करते हुए चलना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत इजीली ऑपरेटेड है. अगर ये प्रोडक्ट कोई अगर लेना चाहे तो क्या करना होगा उसको लेने के लिए? सर देखो मैंने तो उनका जो बलवान यूट्यूब चैनल है और साइट का भी लिंक दे रखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट ऑर्डर किया मैंने और मेरे को घर बैठे डिलीवरी मिल गई इनको सर. उसके अलावा इसमें जैसे कि आप एडजस्टेबल होते हैं अलग अलग, जो भी बीज आप डालना चाहो, छोटा है बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग क्या इन्होंने इसमें रोलर वगैरह आते हैं अलग अलग साइज के. अच्छा, तो वो रोलर भी आप इसमें यूज कर सकते हो सर. वो रोलर चेंज कहाँ से होगा? जी रोलर चेंज होता है सर जी, देखो यहाँ से बता दे, तो यहाँ से लगता है सर, यहाँ से चेंज होता है सर, ये ओपन होता है यहाँ से, ये रोलर यहाँ से चेंज होता है सर. अच्छा, ये निकाला इन्होंने यहाँ से, यूं किया, ये रोलर है, रोलर को आसानी से बाहर निकाल लो. ये दूसरे और भी रोलर हैं जिनको आप लगा के इस चेंज कर सकते हो. बिल्कुल, इसमें आते हैं टोटल 10 रोलर देते हैं इन लोग. आड़ तो आते हैं जैसे आप सब्जी जो अपनी फसलें वगैरह जो क्रॉप्स होती है उनके यूज में ले सकते हैं, जो भी फसलें हम लगाते हैं. और दो आते हैं सब्जी वाले, छोटे जो पौधे होते हैं जैसे टमाटर वगैरह के होते हैं, क्योंकि आजकल क्या है जैसे जैसे विज्ञानों की जो तरक्की बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है, छोटी बीज है सब्जी वाले भी डायरेक्ट रोपाई वाले, पहले क्या होता है पौध तैयार करनी होती है हमारे को, तो डायरेक्ट क्या है आजकल बीज आने लग गए तो हम डायरेक्ट इससे वो बुआई भी कर सकते हैं सर. जैसे बेड वगैरह पे लगाते हैं ना अपन थोड़ा ऊपर करके, उसमें भी अपन यूज में ले सकते हैं सर. तो दीपक जी अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो अभी अपन ने बात की थी जो मैनुअल सीडर की, अलग अलग तीन तरह की अपन ने बात की थी मॉडल की, तो आप मेरे को बता सकते हो कि कितने तक की प्राइस में ये मिल जाएंगे? सर देखो इनका जो S1 वाला सीडर है, जो सिंगल सीडर जिसको बोलते हैं ये लोग, तो वो सीडर मेरे को मिला है सर 2500 रुपये का सर, 2500 रुपये का मेरे को मिला है सर वो. और दूसरा है जो इनका S12 वाला सीडर है वो 7900 रुपये का सर, तो वो मुझे कैश ऑन डिलीवरी मिला है और उसमें डिलीवरी भी इंक्लूड है सर इनकी, मेरा एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगे इसमें सर. ज़्यादा बढ़िया कौन सा रहता है अगर अपन ऑनलाइन मंगाते हैं या फिर ऑफलाइन ज़्यादा सही रहता है? देखो ऑनलाइन मंगाने का है तो बढ़िया आजकल, क्योंकि आजकल का जमाना ऑनलाइन का चल रहा है सर, लेकिन क्या होता है इनका कॉल सेंटर टीम है, तो कॉल सेंटर टीम से अपना जो भी किसान भाई, जैसे मैंने जानकारी ली है और किसान भाई भी जानकारी ले सकते हैं, तो अच्छे से जानकारी ली मैंने, उसके बाद में जो समझ में आया उन्होंने कुछ फोटोज वीडियोज वगैरह मुझे शेयर किए, उसके बाद मैंने इसको ऑर्डर किया है सर. मैंने जैसे ऑर्डर किया मेरे पास कॉल आया, तो 2 से 5 दिन मेरे पास डिलीवर हो गया सर ये, और कॉल आया मेरे पास पोस्ट ऑफिस से कि सर आपका प्रोडक्ट आ गया आप रिसीव कर लीजिएगा, तो मैंने जाके रिसीव कर लिया. सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी सर कि इन्होंने मतलब कंपनी ने मुझे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवाया सर. अगर आप जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि क्यों इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए और इसी कंपनी से क्यों लेना चाहिए, क्या क्या फायदे हैं जो आपको भी मिले हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? इजिली पार्ट वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इनके पास कॉल सेंटर है जो मदद कर सकता है एनी टाइम. मैंने कॉल किया मेरे को जानकारी मिली, असेंबलिंग के रिगार्डिंग जानकारी मिली, सारा कुछ मुझे उसमें नॉलेज मिली इस चीज की सर. उसके बाद में फिर मैंने सर्टिफिकेशन होने के बाद में मुझे इसको लिया सर मैंने. जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो फिलहाल आप देख रहे थे, ये दीपक जी थे जो कि किसान भाई हैं और जयपुर के रहने वाले हैं, इनके खेत में हम खड़े थे, पूरी जानकारी दी इन्हें प्रोडक्ट की. अगर आपको भी लगता है कि वाकई में हमें भी ये लेना चाहिए तो आप बिल्कुल ये जो नीचे नंबर दिए गए इस पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं. धन्यवाद.